सबको इस फैमिली कैंप में सबका स्वागत है। और फैमिली यानी कि हम एक परिवार है, हम सभी का अपना अपना एक एक परिवार है, हम सभी जन एक एक परिवार में रहते हैं। माँ बाप बच्चे ये मिलकर एक परिवार होता है, लेकिन परिवार के अलावा भी सास ससुर साला साली मामा मामी ऐसे कई रिश्तेदार हैं। हमारे कई रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ हमारे परिवार में नहीं रहते, फिर भी हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं, उन्हें अपना परिवार समझते हैं। क्योंकि वो हमारे एक परिवार के भाग है। ये लोग हमारे परिवार में नहीं रहते, फिर भी हमारा एक परिवार का भाग है, उन्हें हम अपना परिवार कहते हैं। उसी प्रकार से एक कलीसिया, कलीसिया के लोग हमारे परिवार का भाग है। पूरी कलीसिया हमारा परिवार है, उनके साथ एक हमारा रिश्ता है, एक हमारा रिलेशनशिप है। हमारे परिवार में हम एक दूसरे के साथ हमारा नाता है, उसी प्रकार से हमारा कलीसिया के लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए, एक नाते संबंध होना चाहिए। एक परिवार जब होता है, उस परिवार में एक मुख्य व्यक्ति होता है, कोई जेंट्स होता है, कोई पुरुष, वो पुरुष होता है। तो हमारा परिवार जो है उद्धार पाया हुआ परिवार है, और हमारे परिवार में जो पति होता है, हम पति के बारे में सुनने वाले हैं। उद्धार पाया हुआ पति कैसा होना चाहिए? हमारे भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के जाति है, कई प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग पंथ के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के लोग हमारे भारत में रहते हैं। और परिवार के लिए सभी की सोच अलग अलग है, और उन सब से जो उद्धार पाया हुआ परिवार है उनकी सोच सबसे अलग है। हमारे भारत में हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में हम देखते हैं पत्नी को कोई स्थान नहीं है, सेकंड पोजीशन, सेकंड स्थान है, दूसरा द्वितीय स्थान पत्नी को दिया जाता है। हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू परंपरा से पत्नी को कोई कीमत नहीं दी जाती। गांव के लोग कहते हैं वो चप्पल के बराबर है, सैंडल के बराबर है, ये उनकी सोच है। कई गांव में आज भी पत्नियां अंदर के रूम में बैठी रहती है, किचन रूम में बैठी रहती है, और पुरुष लोग बाहर के घर में बैठे होते हैं। कोई मेहमान आएंगे, कोई पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, जो पुरुष लोग हैं वही लोग बाहर। एक्सक्यूज मी ब्रदर आसाराम। यस ब्रदर।
हाँ सबको वीडियो ऑफ करने के लिए बोलेंगे क्या? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बोल दीजिए ब्रदर, सब जन वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओ अच्छा, वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। जो होस्ट है वो अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए, माफ करना मुझे, मैंने सोचा मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके यस ओके, अब मेरी आवाज को सुन सकते हैं आप? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चित्र आपको दिखाई दे रहा है? यस ब्रदर, यस यस। ओके थैंक यू। भारत के रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार आज भी गांव में जो पुरुष है, द हेड ऑफ द फैमिली है, जो जेंट्स है, जो घर का मेन आदमी है, वही बाहर के कमरे में बैठकर जो रिश्तेदार आते हैं, घर में लोग आते हैं, वही उनके साथ बातें करते हैं, और जो बहन लोग हैं, महिलाएं हैं, वो हमेशा किचन में है। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को समाज में पहला स्थान नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। आज भी अगर हम कई गांव में, खेड़ों में जाके देखते हैं तो महिलाओं को दूर रखा जाता है। कोई व्यवहार करना है, कुछ खरीदना है, तो किसी भी महिला का सलाह नहीं लेते, उन्हें घर के अंदर ही रखते हैं। आज भी वो स्थिति है, महिलाओं को एक नौकर के समान उन्हें रखा जाता है। जो हिंदू रीति रिवाज के लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये महिला, ये औरत काम करने के लिए घर में लाई गई है। माँ बूढ़ी हो गई, माँ को काम नहीं होता, इसलिए शादी करके एक औरत को घर पर लेके आए ताकि वो घर में काम करे, बर्तन साफ करे, कपड़े धोए, लादी साफ करे, खाना बनाए। ये सोच लोगों की है, लोगों को लगता है कि औरत का स्थान, जगह जो पति लोग हैं, हिंदू पति लोग अपने पत्नी को एक नौकर की तरह समझते हैं। जहां पर पति जाएगा उसके पीछे पत्नी जाएगी, पति आगे आगे चलेगा, पत्नी उसके पीछे चलेगी। कभी कभी पत्नी को भी नहीं पता होता हम कहां जा रहे हैं, पति लेके जा रहा है, पत्नी चल रही है। कई बार पत्नी की स्थिति ऐसे हो जाती है, एक गले में बेल्ट बांधा हुआ डॉग एक पत्नी को मारता हुआ एक आदमी, उनकी स्थिति ऐसी भयानक हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार एक गाय को कीमत है लेकिन एक बाई को कीमत नहीं है, एक महिला को कीमत नहीं है। एक गाय को पूजा करते हैं, एक गाय को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक महिला को कीमत नहीं देते। घर का पुरुष आज भी कई जगहों पे सुबह उठ के महिलाएं पति के पैर पड़ती है, और यहां पे एक महिला एक पुरुष के पैर पड़ रही है, यहां पे एक पुरुष एक गाय के पैर पड़ रहा है। एक गाय को कीमत है हिंदू धर्म के अनुसार समाज में, लेकिन एक पति अपने पति पत्नी को कीमत नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति जो परिवार का उद्धार नहीं हुआ, वो परिवार की आज भी यह स्थिति है, वो अपने परिवार के पत्नी को, अपने जो पत्नी है उसे कीमत नहीं देते हैं। मुस्लिम लोगों में भी कुछ ऐसा है, हमारे भारत में मुस्लिम धर्म और पूरे दुनिया में, और वो लोग भी अपने पत्नी को कीमत नहीं देते। शुरू में जब शादी करते हैं, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, देखो जब नए कपड़े लेते हैं तो लोग उसे बार बार पहनते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो नए हैं, अच्छे दिखते हैं,
उन्हें बहुत संभाल के रखते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं, उसकी स्त्री करते हैं, अच्छी तरह से कबाड़ में रख देते हैं, क्योंकि वो नए हैं। नए कपड़े लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और नए कपड़े में लोग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यही कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसी कपड़ों को फेंक दिया जाता है। जो कीमत जब नए लेते हैं तब एक कीमत होती है, उसका एक मोल होता है, जब वो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनकी कीमत जीरो बन जाती है। उसी प्रकार से मुस्लिम परिवार में भी शुरू में जब महिलाओं से शादी की जाती है तो जब नई नई शादी होती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। जब दो तीन चार बच्चे जब हो जाते हैं तो इस महिलाओं को उस कपड़े की तरह, पुराने कपड़े की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है या उन्हें कोई कीमत नहीं दी जाती, उनका कोई सम्मान नहीं किया जाता। यह सब जिस परिवार का उद्धार नहीं हुआ, जो पति लोग उद्धार नहीं पाए, उनके जिंदगी में यह सब होता है। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ पति, एक पुरुष जब शादी करता है, एक उद्धार पाया हुआ पति एक पुरुष जब शादी करता है तो शादी के बाद उसको अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। जब उसको बच्चे होते हैं तब उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और पत्नी के बारे में सोचना ये उद्धार पाए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बच्चों के बारे में सोचना ये उद्धार पाए हुए एक पिता की जिम्मेदारी है। इसलिए जो उद्धार पाया हुआ परिवार है, जो उद्धार पाया हुआ पति है, उसकी सोच हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए कि वो अपने परिवार को खुशियां दे, अपने परिवार को आनंद दे, अपने परिवार के साथ खुशी से रहे, अपने परिवार को खुशहाली दे। एक उद्धार पाया हुआ पति की ये सोच होनी चाहिए कि उसका परिवार उसके बातों से खुश हो, उसके चाल चलन से खुश हो, कई घर में पति लोग गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसलिए बड़े बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। छोटे कारण की वजह से लोग कोर्ट में तलाक के लिए जाते हैं। कई परिवार टूट चुके हैं क्योंकि उस परिवार में उस पति का उद्धार नहीं हुआ है। हम एक ऐसे उद्धार पाए हुए पति हमें होना है, या उद्धार पाए हुए पति की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को आनंद दे, अपने परिवार को खुशियां दे। अपने परिवार को सारा सुख दे। एक उद्धार पाया हुआ पति अपने घर में, अपने परिवार में अपने पत्नी को हेल्प करने वाला, मदद करने वाला पति होना चाहिए। जो उद्धार नहीं पाए उन्हें लगता है एक हमारा काम नहीं है, यह औरत का काम है, झाड़ू मारना हमारा काम नहीं है, कांदा मिर्ची काटना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है खाली टीवी लगा के मैच देखना, न्यूज देखना।
लेकिन नहीं, जिनका उद्धार हुआ है वो अपने पत्नी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और हमारा उद्धार पाया हुआ परिवार, उद्धार पाए हुए पति अपने पत्नी को हर काम में मदद करने वाले पति होने चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई मीपना कमीपना नहीं है। हम पत्नी को हेल्प कर रहे हैं। उद्धार पाए हुए परिवार एक दूसरे को हेल्प करने वाला परिवार होना चाहिए। जब शादी के दिन कसम खाते हर समय, हर सुख में, दुख में, बीमारी में, रोग में, मृत्यु के अंत तक तुझसे प्रेम करेंगे, जब मदद करने की बारी आती है तो भाग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन एक उद्धार पाए हुए पति की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पत्नी को मदद करे, अपने पत्नी की सहायता करे, अपने पत्नी को प्रेम करे, अपने बच्चों को प्रेम करे। उद्धार पाया हुआ पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, चाहे वो कैसी भी हो, जैसे भी हो, उससे प्रेम करता है। एक उद्धार पाया हुआ पति अपने पत्नी के साथ बैठकर उसके लिए प्रार्थना करता है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो पति लोग हैं, जो हस्बैंड है, ये हम सभी का जिम्मेदारी है, हस्बैंड का जिम्मेदारी है, अपनी वाइफ से प्रेम करो, अपनी पत्नी को प्रेम दो। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को प्रेम दो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब इसकी 25 नंबर की अध्याय और 21 नंबर के वचन। उत्पत्ति की किताब इसकी 25 नंबर की अध्याय और 21 नंबर के वचन में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हो गई। इसहाक की पत्नी भी बांझ थी, कई सालों तक उसे बच्चा नहीं होता था, लेकिन इसहाक अपने पत्नी के लिए प्रभु के पास इसहाक ने प्रार्थना की। एक उद्धार पाया हुआ पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करने वाला पति होना चाहिए। अपने पत्नी के लिए आंसू बहाने वाला पति होना चाहिए। परमेश्वर के पास मध्यस्थ करने वाला पति होना चाहिए। हमारे परिवार का जो वातावरण है, उद्धार पाए हुए लोगों के परिवार का जो वातावरण है वो हमेशा हंसता खेलता होना चाहिए, हमेशा आनंद से भरा होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को मदद करने वाला होना चाहिए। उद्धार पाए हुए पति का परिवार, एक व्यक्ति का परिवार, उस घर का वातावरण हमेशा प्रफुल्लित होना चाहिए। इसहाक उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उसने खुद परमेश्वर के पास अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। इपिस करास की पत्री इसकी 5 नंबर की अध्याय और 25 नंबर के वचन में लिखा है, इफिसियो अध्याय 5 उसके 25 नंबर के वचन में लिखा है,
पतियों को कहा गया है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसे दे दिया है, अपने आप को उसे दे दिया है। परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन बाइबल में कलीसिया का एक पति भी कहा गया है। परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, एक दिन अपने दुल्हन को लेने आने वाला है, और वो अपने दुल्हन को शुद्ध पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया को यानी उसके दुल्हन को मजबूत कलीसिया देखना चाहता है, वचनों से भरी, वचनों के सिंगार से भरी हुई कलीसिया वो देखना चाहता है। हम पति लोग जो उद्धार पाए हुए पति भी उसी तरह से सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी भी प्रभु के वचनों से भरी हुई होनी चाहिए। एक पति पत्नी के लिए प्रेम का उदाहरण होना चाहिए, एक पति अपने पत्नी के ऊपर प्रेम करना चाहिए, और पत्नी भी अपने पति से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितनी वो अपने आप से करती है। बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसकी 6 नंबर के अध्याय और 20 नंबर के वचन में हम अमराम के बारे में पढ़ते हैं। ये अमराम मोशे का पिताजी था, मोशे के पिताजी का नाम अमराम था, और ये लोग उस समय की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत गरीबी की थी, बहुत बेकार स्थिति थी। वे लोग गुलाम थे, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे अमराम ने अपनी फूफी याकेबेत को ब्याह किया और उसे हारून और मूसा उत्पन्न हुआ, और इमराम की पूरी अवस्था 130 वर्ष की हुई। ये अमराम मूसा का पिताजी उस समय फारो ने कहा कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जन्म नहीं लेना चाहिए, और जो बच्चे जन्म लिए उन्हें मार दो। कई बच्चों को मारा गया, बच्चों को मार रहे थे, फिर भी अमराम ने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर ने बच्चे को जन्म दिया। वही लड़का आगे चलकर मूसा बना और परमेश्वर का दास बना, परमेश्वर का सेवक बना। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आदमी, उसकी यही सोच होनी चाहिए उसके जिंदगी से, उसके परिवार से, उसके बच्चे प्रभु की सेवा करें। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसकी यही सोच होनी चाहिए कि उसके बच्चे प्रभु के दास बने, प्रभु के सेवक बने। कई बार हम हमारे बच्चों को, हमें लगता है हमारा बच्चों को सिखाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये चर्च की जिम्मेदारी है, वो बाइबल सिखाएंगे। व्यवस्था विवरण इसकी 6 नंबर की अध्याय
और सात नंबर के वचन और नौ नंबर के वचन, सात से लेकर नौ तक हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय छह सात नंबर वचन से नौ नंबर के वचन तक। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिनारी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टिके काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौकट की बाजियों और अपने फाटकों पर लिखना। बच्चों को सिखाना, बाल बच्चों को सिखाना मां बाप की जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु का वचन बाइबल सिखाना ये मां बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को संडे स्कूल भेज देते हैं। परमेश्वर ने किधर भी नहीं कहा संडे स्कूल चालू करो। हम सब कुछ चर्च के ऊपर ढकल देते हैं, चर्च के ऊपर छोड़ देते हैं और हम आराम से रहते हैं। हमें लगता है ये संडे स्कूल टीचर, ये पास्टर, ये ब्रदर, ये लीडर, ये हमारे बच्चों को सिखाएंगे प्रभु का वचन। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ पिता, एक उद्धार पाया हुआ परिवार की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को घर में परमेश्वर का बाइबल सिखाए। यस, या फिर परिवार में ऐसी प्रार्थना हो, ऐसी बाइबल स्टडी हो कि हमारे बच्चे हमें देखकर सीखें। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं आज आपके बच्चे आपको देखेंगे, लेकिन उनके जवानी में, उनके जब बड़े हो जाएंगे तो वो खुद उसी तरह से प्रार्थना करेंगे जैसे उनके पिता, उधार पाए हुए पिता प्रार्थना कर रहे थे। जैसे पिताजी करेंगे बड़े होकर बेटे भी वैसे ही करेंगे। संडे स्कूल में भेजना हमारी जिम्मेदारी है हमें लगता है, और बाइबल हमारे बच्चों को पढ़ाना है संडे स्कूल टीचर की जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, बच्चों को परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देना, घर में शिक्षा देना ये उद्धार पाए हुए परिवार की जिम्मेदारी है, एक उद्धार पाए हुए पिता की जिम्मेदारी है। कई पिताजी सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, कोई लेबर काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें लगता है हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कमा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात को घर पे आकर खाना खाकर सो जाते हैं, बच्चों से बात करने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, प्रभु का वचन सिखाने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, रात को घर पर आकर खाना खाके सो जाते हैं। कौन सिखाएगा बच्चों को, कौन उन्हें बाइबल सिखाएगा, कौन प्रभु के वचनों को उन्हें सिखाएगा। प्रभु के लोगों, उद्धार पाए हुए परिवार, उद्धार पाया हुआ पिता, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को प्रभु के राज में बढ़ाए। हमारा परिवार एक चर्च के समान है, एक हमारा घर ही, हमारे घर का वातावरण ही चर्च के जैसा होना चाहिए, कलीसिया के जैसा हमारा वातावरण होना चाहिए। हमारा घर ही प्रभु का मंदिर होना चाहिए, हमारा घर ही कलीसिया होनी चाहिए। हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं
देश में वो आदमी, वो व्यक्ति बड़ा धनवान व्यक्ति था और बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। उस देश में वो व्यक्ति रहता था। हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसकी 5:1 की अध्याय और 5 के वचन में, जिसके 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। अय्यूब अध्याय, 1 और उसका 5 के वचन में लिखा है, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ये अय्यूब नाम का व्यक्ति बड़ा धार्मिक था। उसके 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी और सबके आप अपने खुद के घर थे, और वो हर दिन भाई बहन को एक दूसरे के घर पे खाना खाने के लिए बुलाते थे, भोजन के लिए बुलाते थे। उनके घर में नौकर थे, उनके घर में सब कुछ था। आप सोचिए ये कितना रॉयल फैमिली है, क्योंकि अय्यूब बहुत धनवान व्यक्ति था। और धनवान के साथ अय्यूब एक आत्मिक पिता भी थे। अय्यूब एक आत्मिक पिता भी थे। वो हर बच्चे के लिए रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। रोज सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाते थे। उन्हें लगता था शायद मेरे बच्चों ने परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप किया हो, शायद मेरे बेटियों ने परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप किया हो, शायद मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ दिया हो। बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठकर होम बलि चढ़ाने वाला, प्रार्थना करने वाला ये पिता हमें इस अय्यूब की किताब में दिखता है। ये अय्यूब का जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन था। यह एक उधार पाया हुआ व्यक्ति है, एक उधार पाया हुआ पिता है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारा परिवार उद्धार पाया हुआ है। उद्धार पाए हुए एक पिता की सोच अय्यूब के सोच के समान होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करने वाला पिता, सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने वाला पिता, सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाला पिता, एक उद्धार पाया हुआ पिता हमें बनना है। एक उद्धार पाए हुए पिता की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए रोज सुबह उठकर प्रार्थना करे। अपने हमारे बीच में से कई लोगों के बच्चे हैं, क्या हम रोज सुबह उठ के हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते? क्या हमारे बच्चे प्रभु के संगति में रहे, प्रभु के सेवक बने, क्या हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं? हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। एक उद्धार पाए हुए पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए रोज सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करें। हमारा परिवार ये प्रभु का घर है। और हमारे घर का वातावरण भी वैसे ही होना चाहिए। और हम उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए पिता, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों के लिए दुआ करें।
प्रार्थना करें। बाइबल में ये बच्चों के बारे में बहुत सुंदर लिखा है, भजन संहिता 127 अध्याय और 4 नंबर के वचन में लिखा है कि जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। एक जवान लड़के एक वेपन की तरह है, एक हथियार की तरह, एक धनुष बाण की तरह है, प्रभु के काम में इस्तेमाल होने वाले हैं, प्रभु के काम में इस्तेमाल होने वाले वेपन हैं। एक बाप की यह जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हो जाए, ऐसे हमारे बच्चों को बनाए। एक उद्धार पाया हुआ पिता की यह जिम्मेदारी है कि उसके जवान बच्चे प्रभु की सेवा करें, उसके अनुसार उन्हें शिक्षा दें। एक पिता, उद्धार पाया हुआ पिता जो अपने परिवार को प्रभु के वचनों में बढ़ाता है, प्रेम देता है। एक पति अपने पत्नी का सम्मान करता है, उससे प्रेम करता है। अपने परिवार से लगाव रखता है, उनकी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करता है, बच्चों के जीवन में आनंद देखना चाहता है। ये एक उद्धार पाए हुए पिता और पति की जिम्मेदारी है। जैसे पिता की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार से माता की भी जिम्मेदारी है। उद्धार पाए हुई मां, आइए हम बाइबल को खोले। पहले शमूएल अध्याय 1:27-28 वचन, पहले शमूएल अध्याय 1:27-28। यहां पे लिखा है यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, यह हन्ना, हन्ना, एलकाना और पनिन्ना। ये पनिन्ना को बच्चे हुए लेकिन हन्ना को नहीं हुए थे। पनिन्ना अपने बच्चों को, हन्ना को छूने नहीं देती थी, वो हन्ना को बांझ कहती थी। हन्ना बहुत दुखी थी और रोज प्रभु के मंदिर में जाके रोती थी, आंसू बहाती थी। हन्ना एक दिन परमेश्वर के पास रोई और परमेश्वर के पास उसने एक वर मांगा और परमेश्वर ने उसे दे दिया और वही लड़का शमूएल बना, प्रभु का दास बना। यहां पे लिखा है कि यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उस यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। एक उद्धार पाई हुई मां अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। एक उद्धार पाई हुई मां अपने बच्चों को प्रभु को समर्पण करती है। एक उद्धार पाए हुए मां की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दे। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या संस्कार हमारे बच्चों को देते हैं, हम क्या शिक्षा देते हैं,
बचपन से अगर हम हमारे बच्चों को प्रभु यीशु का नाम देंगे, प्रभु यीशु का वचन सिखाएंगे, बड़े होकर वो प्रभु के दास बनेंगे, प्रभु के वचनों को पकड़े रहेंगे। ये हन्ना को जब प्रभु ने संतान दी तो उसने पहले इस बच्चों को प्रभु को समर्पित किया। एक उद्धार पाई हुई मां अपने बच्चों को, अपने संतान को प्रभु के चरणों में रखती है, प्रभु की सेवा करने का उन्हें प्रोत्साहन देती है, प्रभु के साथ चलना उन्हें सिखाती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली टीचर मां होती है, और यह उद्धार पाए हुए मां की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाए। एक उद्धार पाए हुए मां की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे। हम बाइबल में और एक ऐसा ही घटना को देखते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 16 एक से दो में। फिर वह दर्बे और लुस्त्रा में भी गया, और देखो वहां तीमोथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासनी किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते था कि उसका पिता यूनानी था। यह तिमोथियुस एक बड़ा प्रभावी लीडर बना, एक प्रभावी सेवक बना। बाइबल में दो किताब है, पहले तिमोथियुस और दूसरे तिमोथियुस। तिमोथी इतना प्रभावी कैसे बना? उसकी मां उसे प्रभु का वचन बचपन से ही उसे सिखाने वाली थी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बड़े होकर प्रभावी लीडर बने, प्रभावी प्रभु के दास बने, एक इफेक्टिव मिशनरी बने, कुछ तो इफेक्टिव बन जाए, तो यह हमारे लिए सीख है। एक उद्धार पाई हुई मां अपने बच्चों को बचपन से ही प्रभु के वचनों में बढ़ाती है, प्रभु के वचनों को सिखाती है। तिमोथियुस की मां ने तिमोथी को बचपन से ही प्रभु का वचन सिखाया। एक उद्धार पाए हुए मां की जिम्मेदारी है, एक उद्धार पाए हुए परिवार की जिम्मेदारी है, एक उद्धार पाए हुए मां की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही प्रभु के वचन का ज्ञान दे, प्रभु का वचन सिखाए, उसे बचपन से ही प्रभु का वचन सिखाया। इसलिए पॉल लुस्त्रा में आने से पहले इसे प्रभु का वचन मालूम था, और देखकर पॉल बहुत खुश हो गया। और ऐसा लिखा है कि तिमोथियुस का नाम उस लोगों में, उस शहर में बहुत अच्छा था। जब हम हमारे बच्चों को प्रभु का वचन सिखाते हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ाते हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा रहता है, वो प्रभु को डरने वाले बच्चे बनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनने वाले बच्चे बनते हैं, प्रभु के साथ चलने वाले बच्चे बनते हैं। कई लोगों के बच्चे जो उद्धार पाए हुए नहीं है, दारू के नशा में, ड्रग्स गांजा में, बुराई में फंसे हुए हैं, लेकिन जो उद्धार पाया हुआ परिवार के बच्चों में फर्क है। तिमोथियुस के जीवन में हम देखते हैं कि सबसे पहले उसके मां ने उसे वचन को सिखाया, इसीलिए वो प्रभावी नेता बना, इसीलिए वो प्रभावी सेवक बना। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे प्रभु के सेवक बने, प्यारे भाई और बहनों,
एक उद्धार पाई हुई माँ, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को प्रभु के वचनों में बढ़ाएं, हमारे परिवार में आत्मिक वातावरण तैयार करें। तब उद्धार पाए हुए बच्चे प्रभु की सेवा करेंगे। कई माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, हमें बुढ़ापे में हमें संभाले, बुढ़ापे में हमारे साथ रहे। लेकिन कई सारे बच्चे शादी के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। क्यों? अगर हम हमारे बच्चों को बचपन से ही प्रभु यीशु का वचन सिखाएंगे, देखो हम बाइबल में देखते इस अय्यूब के बारे में, सॉरी माफ करना, ये उत्पत्ति अध्याय 22 और 6 से 7 तक, याकूब के बारे में, इसाक के बारे में, उत्पत्ति अध्याय 22 6 से 7 में लिखा है, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इसाक पर लादी और आग और छुरा को अपने हाथों में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसाक सोच सकता था कि मेरा बाप मुझे बलि चढ़ाने वाला है, लेकिन इसाक ने ऐसे नहीं सोचा। अपने बाप की इच्छा पूरी करने के लिए वो भी चल पड़ा। हम उद्धार पाए हुए बच्चे, हमारी जिम्मेदारी है हम हमारे माँ बाप को आदर करें, हमारे माँ बाप को सम्मान करें। कई बच्चे छोटे होते हैं तो प्रभु के वचनों को बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बड़े हो जाते हैं बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं और फिर वो माँ बाप का आदर नहीं करते। उधार पाए हुए बच्चे लोग, उधार पाए बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे। इसहाक अपना बाप अब्राहम की इच्छा वो पूरी होने दे रहा था। उसने नहीं सोचा ये मेरा बाप मुझे बलि चढ़ाने वाला है। वो अपने बाप अब्राहम की इच्छा पूरी कर रहा था। हम भी, हम परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होने वाले उद्धार पाए हुए बच्चे होना है। जो जवान बच्चे हैं, जो जवान लड़के हैं, जवानों को कहा गया है कि हम, हमारे उद्धार हमने पाया है, जो उद्धार पाए हुए बच्चे हैं वो प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरी करने के लिए सोचते हैं। हम शमूएल के बारे में सोचते हैं, देखते हैं शमूएल जब हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके मां ने एली के घर भेज दिया प्रभु का वचन सीखने के लिए। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। और एली अपने मां की आज्ञाओं को मानकर एलीयाजक के घर गया और उस बूढ़े एलीयाजक की सेवा कर रहा था। यह केवल अपनी मां के कहने पर वो प्रभु का वचन एली के पास सीखने के लिए गया था। हम हमारी माता पिताओं को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, यह हमारा कर्तव्य है उद्धार पाए हुए बच्चों का अपने माता पिता का सुनना। जब हम सुनते हैं तो दोस्तों परमेश्वर भी आपको आवाज देगा, सेवकाई के लिए बुलाएगा, सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। शमूएल ने मां की सुनकर, मां की आज्ञाओं को मानकर एली के घर पे गया
एली की सेवा की और परमेश्वर ने शमूएल को चुन लिया। उद्धार पाए हुए जवान जवानों के बीच ये निर्णय होना चाहिए कि हम हमारे माता पिताओं को सुनेंगे। ये 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, तू अपने माता पिता, माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए। हर जवान को लगता है, हर व्यक्ति को लगता है कि हम जिंदगी में ज्यादा समय जिए, कोई जल्दी मरना नहीं चाहता। अगर हम ज्यादा समय जीना चाहते हैं तो हमें हमारे माता पिता का आदर करना है, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए। एक उद्धार पाए हुए बच्चे की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता का आदर करे, अपने परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर के वचनों का आदर करे, परमेश्वर के दासों का आदर करे। जवान बच्चे लोग, अगर आप ज्यादा समय जीना चाहते हैं अपने माता पिता का आदर करो। और उद्धार पाए हुए बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी देखभाल करें, उनसे प्रेम करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करें, तब हम इस दुनिया में ज्यादा समय जिएंगे। उद्धार पाए हुए बच्चे परमेश्वर का आदर करने वाले बच्चे होने चाहिए। उद्धार पाए हुए सास ससुर, हम बाइबल में देखते हैं रूथ और नौमी के बारे में। रूथ और नौमी, नौमी एक विधवा थी, नौमी के दो बेटे थे और वो मर चुके थे, उसमें से अर्पा नामी को छोड़ के अर्पा नामी को छोड़ के चली गई, नौमी को छोड़ के चली गई थी, और रूथ अपने सास के साथ बेतलहम वापस आई। रूथ ने नौमी ने कहा तू मेरे साथ मत आ, तू जा। उसने बोला नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। जो आपके लोग हो मेरे लोग, जो आपका देश हो मेरा देश, जो आपका परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर। रूथ एक विधवा थी और अपने सास के साथ बेतलहम आई, और उसने सास को मां के समान माना। और नौमी सास थी, उसने अपनी बहू रूथ को अपनी बेटी समझा, बेटी समझ के उसे रखा है। कितने उसके प्रॉब्लम थे, समस्या थी, फिर भी वो रूथ को अपने बेटी के समान मानती थी। वो रूथ के लिए अपने बेटी के समान दूसरी शादी के लिए सोचती थी। जितनी भी सास है, हर सास को जो उद्धार पाई हुई सास है, वो अपने बहू को बेटी के समान मानती है, और जितने भी बहू है वो अपनी सास को एक मां के समान मानना चाहिए, एक मां के समान मानना चाहिए। जब हम ऐसे होते तो समाज में उद्धार पाए हुए लोग, उनका समाज में एक अच्छा इफेक्ट होता है, समाज में हमारा सहभाग होता है। हम बोआज के बारे में देखते हैं अध्याय रूथ, इसकी 2 नंबर की अध्याय और 8 नंबर के वचन में फास्ट जाएंगे। तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिनाने को न जाना, मेरी ही दासी के संग यह रहना। बोआज सोच सकता था उसके पास खेती है, उसके पास पैसा है, वो कोई दूसरे लड़की के साथ शादी कर सकता था, लेकिन बोआज को पता चला ये रूथ और नामी का खेत यहां पर है और वो खेत दूसरे के पास चला गया है, मैं खरीद सकता हूं,
बोआज ने इस रूथ के साथ शादी की एक और उसे आसरा दिया। एक समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट हमारा होना चाहिए, दूसरे को हेल्प करने वाले लोग हम बनने चाहिए। रूथ की स्थिति जो आज लोग कचरा वगैरह लेके घूमते हैं उनकी तरफ कोई देखता नहीं, ऐसी भयानक स्थिति रूथ की थी, लेकिन बोआज ने उसे देखा और उसे मदद करने के लिए उसके साथ शादी की, एक समाज में मदद करने वाला व्यक्ति बना। हम हमारे बाजू में देखते हैं कई गरीब लोग हैं, कई बीमार लोग हैं, हम कभी कभी ये कचरा चुनने वाले लोग इनके तरफ कभी देखते भी नहीं है जो सच में प्रॉब्लम में है। हमें समाज में कुछ करना है, हमें इनको हेल्प करना है, ये भूखे हैं, ये प्रॉब्लम में है, कई सारे लोग भूखे हैं, कई प्रॉब्लम में है, कई लोग बीमार है जिनको मेडिकल की जरूरत है। हम समाज में रहते हैं और समाज हमें देखता है, समाज हमें देखता है, हम क्या सोचते हैं दूसरे जात के लोग हैं, हमें इनके साथ व्यवहार नहीं करना है, हमें इनके साथ नहीं रहना है। नहीं, हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे लोगों के साथ हमें अच्छा रिश्ता बनाना है, उन्हें हमें घर अपने घर पे बुलाना है, उनको बुलाना चाहिए कि उद्धार पाया हुआ परिवार उनका समाज में ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि समाज के लोगों को वो घर में बुलाकर उनका सम्मान करने वाले लोग होने चाहिए। यीशु भी अन्य जातियों में गया, उनके बीच में जाके रहा, उनके बीच में जाके काम किया, सेवकाई की, चुंगी लेने वाले लोगों के घर में गया, उनके घर में रहा। यीशु ने कभी दूजा भाव नहीं किया। हम समाज को आशीषित करने वाले लोग होने चाहिए, हमारे द्वारा समाज आशीष पाना चाहिए, हम दूसरों के लिए एक गवाही बनना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमने सीखा है एक उद्धार पाया हुआ परिवार, एक उद्धार पाया हुआ पति, एक उद्धार पाया हुआ पिता, एक उद्धार पाए हुए बच्चे, उद्धार पाई हुई सास और एक उद्धार पाया हुआ परिवार का समाज में प्रभाव किस प्रकार से। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो आत्माओं को जीतने वाले लोग होने चाहिए। हमें देखकर लोग प्रभु के पास आए, ऐसे लोग हमें बनना है। हमारे जिंदगी से दूसरों को फायदा हो, ऐसे लोग हमें बनना है। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसके जिंदगी से ज्यादा प्रभु को महिमा मिले, लोग जीते, कोई भी कीमत पर लोग हमें देखकर प्रभु की महिमा करें। इसलिए हमारा एक थीम है, विन द लॉस्ट एट एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत पर लोगों को प्रभु को जीतो, लोगों को प्रभु के लिए जीतो, प्रभु के राज में लेके आओ, अपने घर में बुलाओ, उनके लिए प्रार्थना करो और कलीसिया स्टार्ट करो। उद्धार पाए व्यक्ति, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के साथ चले और समाज में प्रभु का नाम फैलाए और प्रभु को महिमा दे। थैंक यू सो मच।